हेलो दोस्तों, आज देश और दुनिया जिस संक्रमण से जूझ रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ खास बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टीवी देख रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया फीड और व्हाट्सएप के जरिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं, मैं टीवी और न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा, जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे आप जो मैसेज कंज्यूम कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि वो न्यूज या वो जो लिंक आपके पास भेजे जा रहे हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से आए हैं या नहीं, या फिर बहुत से लोग सर्च कर रहे हैं, या बहुत से लोग बहुत तरह की अफवाहें या अपने मन से बिना किसी जांच पड़ के कुछ भी लिख दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। अभी कुछ दिनों से मैं बस इन्हीं चीज़ों को देख रहा हूँ। हर एक कोई कोरोना वायरस के ऊपर बस ध्यान और प्रवचन बांटने के ऊपर लगे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कौन सी न्यूज़ उनको शेयर करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, बस वो अपने मन से धड़ल्ले से न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कौन से ऐसे ऑथेंटिक सोर्स हैं जहाँ से आप उस न्यूज़ सोर्स को, उस न्यूज़ को, उस कोरोना वायरस COVID-19 जो अभी फैल रहा है पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ, तो उसका ऑथेंटिक न्यूज़ आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये वीडियो आज उसी के बारे में होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नितीश, niteshvarma.com से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम किसी भी चीज़ को पता करने के लिए सबसे पहले जो यूज़ करते हैं इंटरनेट का, गूगल सर्च इंजन का या किसी भी आप अदर सर्च इंजन का यूज करते हैं, लेकिन आज हम मोस्टली किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए गूगल का यूज कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा जो सोर्स है वो गूगल है, लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल के अंदर जो सर्च रिजल्ट्स आपको दिखाए जाते हैं, कई बार उस सर्च रिजल्ट में जो जिस वेबसाइट या जिस लिंक्स पर आप क्लिक करते हैं, कई बार उस पर सही या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अभी गूगल ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, अगर आप गूगल में COVID-19 या कोरोना वायरस लिख के सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट के फर्स्ट पेज पे ही गूगल जो है COVID-19 के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ये आप कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, आप वहाँ से चाहे तो ऑथेंटिक न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारी डिटेल्स दी गई हैं COVID-19 के बारे में। और दोस्तों, इसके बाद अभी हर एक देश आंकड़े जारी कर रहे हैं कि उनके यहाँ कितने लोग इन्फेक्टेड है, कितने लोग सही हुए, कितनी मौतें हुई हैं। मैंने इस बीच में देखा है कि कई लोग कुछ भी आंकड़ा बता रहे हैं, कहाँ से उनके पास वो इन्फॉर्मेशन आई है वो उनके पास मेंशन नहीं होती। तो गूगल और विकिपीडिया के इनिशिएटिव से कोरोना वायरस मैप, आप ये गूगल में सर्च करेंगे, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको एक वर्ल्ड मैप दिखता है और आप जिस कंट्री से बिलोंग्स करते हैं उस कंट्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे या अपने माउस को ले जाएंगे तो वहाँ का आपको एग्जैक्ट डेटा शो होगा कि कितने लोग अभी इन्फेक्टेड हैं या कितनी मौतें हो चुकी हैं इस कोरोना वायरस डिजीज़ के कारण। तो आप चाहें तो मैं इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से जाके विजिट करके कोरोना वायरस मैप को देख सकें। दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा सोर्स है वो है व्हाट्सएप। आज आपको पता है कि हम व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज को गैदर करते हैं, बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ है या जो लिंक्स वगैरह है वहाँ पे हमें फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप्स इसके थ्रू हमारे पास आता है। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने और WHO ने अपनी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर को जारी किया गया है। ये बेसिकली एक व्हाट्सएप चैट बॉट है, तो इस पे आप हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन कोरोना वायरस के बारे में ले सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ आपको थोड़ा बता दूँ कि चैटबॉट होता क्या है। चैटबॉट में आपको रियल टाइम मैसेज का रिप्लाई मिलता है, लेकिन ये पहले से ही इस मैसेज की स्क्रिप्टिंग की गई होती है। तो आप चाहें तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है वो भी मैं इस लिंक के अंदर आपको दे दूंगा, या आप मेरे
ब्लॉग के ऊपर भी जाके उस नंबर को चेक कर सकते हैं। वहाँ भी आप में से कई लोग, या मैं कहूँ मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे व्यूअर्स हैं, गूगल पे का यूज करते होंगे। गूगल पे में भी जब आप अब गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे, वहाँ पे कोरोना वायरस इन्फो करके एक टैब बना हुआ, एक बटन बना हुआ आपको आएगा। वहाँ जब आप क्लिक करेंगे, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है वहाँ पे। जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के हेल्पलाइंस नंबर और कोरोना वायरस से कैसे बचें, इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है आपको अपने गूगल पे, जो आप जैसे आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं या दूसरों को पेमेंट करते हैं, उसी ऐप के अंदर मिल जाएगी। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब आप चाहें तो गूगल पे के थ्रू भी अपना कोरोना वायरस से रिलेटेड या अपने स्टेट के हेल्पलाइन नंबर्स या जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है उन सब को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। कृपया प्लीज़ इस फेक न्यूज़ के चक्कर में ना पड़ें, ऑथेंटिक सोर्स से ही न्यूज़ को लें। और प्लीज़ अगर आप कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो अपने लेवल पे एक बार उसको जांच परख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके फैलाए गए मैसेज से कोई किसी को भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्स का ही इस्तेमाल करें। ये जो मैंने आपको जो भी बताया है, जो भी लिंक्स या जो भी आपको व्हाट्सएप नंबर बताए हैं, ये सब वेरीफाइड हैं, ऑथेंटिक हैं। आप अपने लेवल पे इसको चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे भी एक्टिव हूँ, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।